तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग जाने वाले एक ऐसे प्लेस पे जो कि वर्ल्ड फेमस प्लेस है। काफी दूर दूर से मतलब फॉरेन कंट्री से भी लोग यहाँ पर टूर करने के लिए आते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होती है। तो देखते हैं कितना दिखा पाते हैं कितना नहीं। सभी चीज़ें देखने के लिए वीडियो पे अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाले और बाकी बातें वीडियो में करते हैं आगे। अभी चलते वीडियो की तरफ एक छोटे से इंटरव्यू के बाद। निकल चुके हैं हम अभी घर से। तो कितना बजे अभी? 10:15 हुआ है। चलो चलते हैं, सब लोग को दिखाते हैं। इतना बारिश यार, आज के दिन ही होना था क्या? बहुत बारिश हो रही है, छाता लेके जा रहे हैं हम लोग। छोटा सा एक टाउन है, हमें यहीं पर खुश है। और बाकी यही सब आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। गाइस क्या सोच के आया था, क्या हो रहा है? इतना बारिश आज का दिन होना था क्या? मतलब चला नहीं जा रहा, इतना बारिश हो रहा है यहाँ पर। क्या पूरा भीग गया, हमने पूरा कपड़ा सपड़ा पूरा भीग गया यार। देखते रहिए, हम जाने की कोशिश करते हैं और जितना हो सके दिखाएंगे आप लोग। तो गाइस आधा मंजिल हम लोगों ने तय कर चुके हैं, करीब करीब 3 किलोमीटर है वो जगह। अभी घर से मतलब 1 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं, अभी 2 किलोमीटर और भी है, मतलब पैदल ही जाना पड़ेगा। इतना बारिश मतलब क्या ही बोले, पूरा भीग गया हम लोग। ब्रिज पार कर ही रहे थे, बस ट्रेन आ गया, देख लीजिए आप लोग पूरा ट्रेन। अभी उतर जाते, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, ट्रेन जाने के बाद आराम से जाएंगे। थोड़ा दूर आ जाए भाई, रिक्स मत ले भाई, आ जा, थोड़ा दूर आ जाए भाई, ज़्यादा पास हो गए हम लोग। डर भी लग रहा है थोड़ा, एकदम थोड़ा क्लोज जा, देखिए हेडलाइट मजा जाएगा। देखिए यार बहुत ही बुरा लगा हमें, और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे वो चीज़। आप लोग फिर देखिए, ये देखिए अजगर का मतलब फुल बॉडी यहाँ पर है, अजगर मरा हुआ है, तो उसका सिर और मतलब पूरा कुचल दिया है, शायद ट्रेन ने मारा होगा इससे। हमें बहुत बुरा लग रहा है, मतलब उसका हड्डी भी निकल गया, आप देखिए। कुछ मिनटों का ये बस सफर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो एक लाइक जरूर करना, आप लोगों के 1 लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है।
और रात के समय मतलब शाम के टाइम में यहाँ से हाथी भी निकलता है, देखिए इसका बोर्ड लगा हुआ है। अबे यार कौन सा जगह में फंस गए, पूरा दलदल है यहाँ पर, डर भी लग रहा है यार, सांप उड़ नहीं रहा तो अच्छा होगा। तो गाइस जिस घर का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो घर आ चुका है अभी। मैंने पीछे जो जंगल देख रहे हैं ना आप लोग, यही है वो जगह जिसका मैंने बात कही थी, इसका नाम है गिबोन। और इस जगह में एक चीज पाया जाता है जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ यहीं पर ही पाया जाता है, और वो चीज है एक बंदर। जी हाँ दोस्तों, एक बंदर मतलब वो बंदर की एक खास चीज है और बहुत रेयर है बंदर। जो उसका खास चीज ये कि उसका पूंछ नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, उसका पूंछ नहीं होता और बहुत ही रेयर है, जंगल के एकदम अंदर रहता है और कभी कभी बाहर निकलता है, फॉरेनर लोग भी आते हैं उसको देखने के लिए। और देखते हैं हम जंगल के अंदर थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और देखते हैं क्या दिखाई देता है क्या नहीं। सब चीज़ देखने के लिए वीडियो में तक बने रहिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करना आप लोग। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल के अंदर और डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब सांप भी निकल सकता है यहाँ पर, बहुत जंगल है देखिए, रास्ता ही नहीं है, हम लोग खुद रास्ता बना के जा रहे हैं और मतलब बहुत ही घना जंगल है। ये रहा जंगल का दूसरा रास्ता जो कि बहुत दूर से हम लोग सफर करके आ चुके हैं और बहुत ही डेंजरस रास्ता है, देख लीजिए आप लोग, मतलब खाई है यहाँ पर छोटा सा और उतरना पड़ेगा, बहुत ही मेहनती भरा काम है, मतलब क्या ही बोले। ओ भाई ये देखिए आप लोग कहाँ से आया मैं, मतलब इतना स्लीप हो रहा है ना, बारिश मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मतलब क्या बनाओ भाई, गिर गया मैं। अबे यार इधर आ जा, गिर गया मैं। तो गाइस चलते, मेरा भाई चला गया है, मेरा सैंडल बहुत स्लिप कर रहा है। अबे यार मतलब क्या ही बोले, ओ भाई बहुत ही घना जंगल है ये, वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।